हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, जैसे ही एक महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो सबसे पहले वो जेंडर ब्रेक करना चालू कर देते हैं, घर पर ठीक पता करना चालू कर देते हैं, सिम्टम्स को देखना चालू कर देते हैं, क्या उनको लड़का होने वाला है या लड़की। दोस्तों, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कर सकते हैं आप, लेकिन गलत मतलब से ना कीजिए, लड़का लड़की में भेदभाव रख के ना कीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही जेंडर टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं पेंगन से आप घर बैठे कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। दोस्तों, ये बहुत हद तक सही साबित होता है, मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खुद आजमाया है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, बैंगन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सबके घर में इजीली अवेलेबल रहता है। दो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है लड़का या लड़की है। सबसे पहले दोस्तों, आपको यूरिन से पता करना है। मॉर्निंग का पहला यूरिन लेना है, साफ सुथरा बाउल में लेना है, उसमें आपको बैंगन के कुछ कटे हुए स्लाइसेस डाल देना है। दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, बैंगन बहुत हद तक डार्क ब्लैक हो जाता है, कुछ महिलाओं में हल्का हल्का भी ब्लैक होता है। तो ऐसा कोई भी बदलाव अगर आपके बैंगन में आपको दिखने को मिल रहा है तो ये एक बेबी बॉय होने का साइन है। दोस्तों, दूसरा सिम्टम दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप बैंगन खाने से आपको बहुत इचिंग हो रहा है और बहुत सारी महिला को खाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये एक सिम्टम है लड़का होने का। क्योंकि अगर आप बेबी बॉय कंसीव किए हैं तो आपको बैंगन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उसका स्मेल से ही आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ होगा। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बेबी बॉय होने का साइन है। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।